प्यारा भांजे राजा और विधायक और गुजरों का भविष्य। गुरु जी ने रागिनी को लिख दिया और क्या बताया सुनेगा रागिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। हरियाणा में गाया जाने वाला रागिनी काफी पॉपुलर है, तो आइए आपको ले चलते हैं गुरुग्राम में मानेसर के नजदीक कोटा खंडे वाला गांव, जहां हो रहा विशाल रागिनी कंपटीशन एवं बाबा जहावीर गोगा का विशाल भंडारा, जहां देश भर से कलाकार पहुंचे हुए हैं। रात में गाने से पहले वो ये बता देंगे टीम कौन सी है, जब तो प्रोग्राम चलेगा मैं टीम बताएं कभी महोदय आकर, तब तक अपनी टीम जो है वो मंच पर आ जाएगी। इतना एक राग नहीं कि भाई गालेंगे जो लड़की आपके बीच में बैठी, कभी महोदय आए आप बताएं क्या कह सकते हैं। आप क्या टाइम होगा, क्या रागनी 25 मिनट का टाइम होगा। एक हमारे बीच में हमारी बहन जी आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छे अच्छा संदेश दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के आधार पर हर कलाकार को एक रागनी दहेज के विषय पर गानी होगी। समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आके पूछ ले। गाने से पहले सर से पूछ ले ना, यहाँ आए वहाँ नहीं, यहाँ आ जाए अपने साथ सजाए, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो मंच के माध्यम से पूछ ले। हंसते हंसते हम अपने सीने पे गोली खाए, चाहे प्राण चले जाए ना पीछे कदम हटाएंगे। सांसद बिजनौर से और काफी समय तक आपके बीच में यहाँ भी काम करके आपके बीच में से गए, घर की तरह हैं, भाई की तरह हैं। मनोज नागर सांसद बिजनौर, एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं स्वागत करें। मनोज नागर जी सांसद बिजनौर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। सांसद साहब, हम क्षमा चाहेंगे कि हम आने के समय आपका नाम नहीं बोल सके, क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन है उसकी शर्तें ऐसी एक बीच में नहीं रोक सकते। और उन्हीं के साथ में समय समय पर जहां भी कोई गुर्जर समाज का बड़ा कोई काम होता है, कोई समाज की बात होती है, तो भाई मुखिया गुर्जर भी हमारे बीच में, मुखिया गुर्जर जी से भी एक बार जोरदार ताली। अमरोहा से है, अमरोहा से चुनाव लड़े सांसद का भी शायद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई मुखिया जी अतुल प्रधान और मनोज नागर जी, आप तीनों को हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद।
करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सभी एक बात का ध्यान रखें, पीछे आपके महिलाएं हैं, आप इस साइड में बैठ जाएं। आप सभी धन्यवाद। इस मंदिर के प्रांगण में हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट नागर साहब, अतुल प्रधान जी, मुखिया गुजर जी, उनके साथ जितने भी सम्मानित साथी आए हैं, हमारे सुभाष चौधरी जी विधायक कलवल से पूर्व में, अंतराम जी, दरोगा जी, सारे साथी, मैं सबका यहाँ कोटा के इस मंदिर में कोटा गांव की तरफ से पूरी 84 पाल तावड़ू की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने यहाँ समय दिया, इस बात के लिए इनके आभार व्यक्त करता हूँ। कंपटीशन है हर आदमी का और इसमें कई बार जब कोई व्यक्ति राजनीतिक होता है और अपने शब्द रखता है तो कई लोगों को लगता है कि पता नहीं कहां से आगे नेता हमारी रागनी या जो भी प्रोग्राम चल रहा होता उसमें खलल डाल दिया। सबसे पहले जालवीर बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबकी उपस्थिति को, जो समस्त क्षेत्र से सरदारी आई है, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो मंच पर हो और सामने चाहे पंडाल में बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग हों, सभी के चरणों में नमन करते हुए ये बात कही थी कि संपन्नता जब जब आती है ये अलगाव लाती है, भाई भाई में बंटवारा लाती है। जो लोग समझदार होते हैं, आगे ज्यादा करना चाहते हैं, वो संबंधता के बाद भी खट्टा रहते हैं। याद करिए वो दौर, अभी राष्ट्रवाद की बात चलती है हमारे समाज में है और इस बिरादरी के लाडले इस देश की बड़ी पंचायत घर में आपकी आवाज बनकर उभरने वाले आदरणीय मलूक नागर जी, और अभी ये किस टाइम से चल रहा है ना, सुबह से चल रहे हैं ना गाने रागनी सुबह से चल रही है ना। इस बिरादरी के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी नेता अकेला हमारी बिरादरी में हुआ है, विधायक जो पूरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो अपनी आवाज जिसकी गूंजती है अतुल प्रधान के वहां भी, और तुम्हारे बीच में सुबह से रागनी सुन रहे, सारा तुम्हारा जितना भी सरूर चढ़ा हुआ था उतर गया नहीं उतर गया है ना। ये है क्रांतिकारी, वही रूप मेरा है, लेकिन जो उन्होंने बोला मैं अपनी बात को उसी से जोड़ते हुए समर्थन करता हूँ। उदय सिंह ने मधरी कह के, उदय सिंह ने ही माता कह के चरणों शीश झुकाया था, कौड़ी भर के लिपट गई और छाती से चिपकाया था। आज मौजूद बाबा कंवर साहब और मेरा प्यारा भांजे राजा और विधायक और गुजरों का भविष्य नौजवान विधायक अतुल प्रधान जी, और पूरे देश में पाकिस्तान की सीमा से पूरे देश के कोने कोने में हमारे समाज की लड़ाई लड़ने वाले भाई मुखिया गुजर जी, धीरज जी, सुभाष पूर्व विधायक जी, और मौजूद सभी मंच पर नेता सामने बैठे हुए बुजुर्गों, साथियों और माताओं बहनों, मैं भी अतुल को, विधायक जी को कह रहा था कि भाई तूने तो इतनी लंबी ठोक दी, अब मुखिया जी के और मेरे बारे में रागनियों की वजह से हू होने वाली है, तू कैसे बचेगी। दर्शकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमें इस प्रोग्राम में अपना हर तरीके से सहयोग देते हैं। अगर किसी के पास पानी की व्यवस्था ना पहुँच रही हो या कोई और व्यवस्था ना पहुँच रही हो उसके लिए क्षमा करें, हम कोशिश तो करें पूरी, लेकिन करेगा वो जो बैठ रहे वो कर भाई जो होगी। आइए कैसे गुरु जी ने रागनी को लिख दिया और क्या बताया, सुनेगा रागनी ने। दो
ससुर ने करी कमरे में बंदे फिर तेल की कट्टी लेके आई मेरी छोटी लड़कियां सराई जिंदगी में हार लगाई रोके जिंदगी की हार सराई ससुर ने करी कमरे में बने तेल की कट्टी लेके आ गई मेरी छोटी नंद के चुदई दिया सराई जिंदगी में आग लगाई ओके चुदई दिया सराई जिंदगी में आग लगाई छोटिया गुण सच्चाई भजन हरि गुण गारा पिया हुका सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन छोटी छोटी पहलवान साहब उन्हें सभी का सम्मान मान करता हूँ कवि महोदय ऐसा कमीशन का इसका फैसला कर दे ताकि जनता खुश कर दे इसमें कलाकार अगर कोई आगे नहीं कहता ना जी मैं तो भी हूँ आगे तो उसका नंबर हो जाता लेकिन चारों कलाकारों ने सबने सरेंडर कर दिया जी सर नहीं हो रही पूरी तो अपन आप ही बराबर होंगे और आगे जैसा सबका फैसला होगा मैं उसमें सहमत रहूंगा आइए फर्स्ट टीमों ने पहले टीमों ने हिस्सा लिया था जिनमें से तीन टीम टाइम पे नहीं पहुंची फर्स्ट टीमें थी उनमें से जो पहली चार टीमें हैं जो पहले राउंड में गई वो चार टीमें गए सदस्य आजराम का नाम लिख के दे दे वहां से भी हमें वहां से आप नाम लिख के दे दो चार टीमें कौन कौन सी थी ये कभी बहुत है जो ये यहाँ पर आ जाए मंच पर आप मंच पर आ जाओ हमारे गांव से पहलवान जी हमारे गांव से दो लड़के अभी नेशनल कैंप में शामिल हुए हैं फुटबॉल की टीम फुटबॉल में हरियाणा स्टेट सिलेक्शन करके नेशनल फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं विकास और दूसरा लड़का आयुष वो जो हाँ ये दोनों आ जाए दोनों लड़के आ जाए जो फुटबॉल में भी एक तो गोलकीपर है शायद एक दूसरे का है धन्यवाद इसके बाद मनवीर भाटी नई बस्ती मनवीर भाई क्या ₹100 मिशन इंदौर की तरफ से मंदिर के लिए भंडारे में दिए जाते हैं मैं चाहूंगा कि आप चारों कलाकार इसमें हाथ लगाएं पहलवान धर्मपाल के साथ सभी पत्रकार धन्यवाद।